भाई साहब, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के तहसील सिरौली गोस्तपुर क्षेत्र में जनहित एकता संगठन के संस्थापक अकबर शाह बाराबंकी जनपद के तहसील सिरौली गोस्तपुर क्षेत्र के SDM को सम्मानित करने पहुंच गए और किस कदर का नजारा देखने को मिला, आप इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ऐसे कौन सी बात रही जिस वजह से आज वो सम्मानित करने पहुंचे, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। किस चीज को लेके SDM साहब को सम्मानित किया गया है? जी, मैंने आज उप जिला अधिकारी सिरौली गोस्तपुर को इस चीज़ को लेकर के मैंने सम्मानित किया है कि जब से ये आए हैं तो ये अवैध जमीन से अवैध कब्जे हटवाना और आरा मशीनों पर शिकंजा कसना, सरकारी अवैध संचालित नर्सिंग होम दवाखानों पर शिकंजा कसना, और अभी एक बहुत बड़ा मामला हुआ है जो कोटवा के पास जो 500 बीघे है पट्टे की जमीन, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है और वहाँ पर एक नकली सीमेंट की फैक्ट्री लगी थी जिन्होंने भंडाफोड़ किया है और तमाम अनेक कार्य कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी बहुत कब जुजबिन ही आते हैं जो ईमानदारी से कार्य करते हैं, और सही आदमी की हमेशा पूजा होना चाहिए। और मैं प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को काफ़ी से अधिक महत्व देना चाहिए और ये संगठन जो है हमेशा इनके कंधे से लगाकर चलेगा, और मुझे आशा है ये जहाँ भी रहेंगे इसी प्रकार का कार्य करते रहेंगे। जैसे अवैध खनन है, कोटेदारों पर शिकंजा कसा गया है, और ये जो अवैध जो पेड़ों का कटान हो रहा है उस पर भी इन्होंने शिकंजा कसा है। इनका जो है जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश में इनका चर्चा हो गया है कि उप जिला अधिकारी सिरौली गोस्तपुर के तेज तर्रार हैं और अजय द्विवेदी के जाने के बाद अगर नाम है तो सिर्फ वर्तमान स्टेट। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश दास की ब्यूरो रिपोर्टर्स की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। किस तरह की दमदार खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ ABN News।